मंदिर में 800 साल से बंद पड़े कमरे को खोला गया। जैसे ही खोला गया वैसे ही सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई। सभी जानते हैं कि भारत का इतिहास बहुत ही बड़ा है जिसे कुछ पन्नों में समेटा नहीं जा सकता, और ये इतना पुराना है कि इसकी शुरुआत आखिर कब हुई ये किसी को भी नहीं पता, ना ही इसके अंत के बारे में आपको कोई विस्तार से बता सकता है। लेकिन जैसे ही कोई भी इसकी शुरुआत और अंत की जांच करने के लिए निकलता है वह रहस्यों में खोता चला जाता है, खोता चला जाता है, खोता चला जाता है, क्योंकि ऐसे कई सारे रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करनी होती है जिनके बारे में कभी भी न सुना गया है, न देखा गया है, न पढ़ा गया है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे ही मंदिर की खास बात। हम में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने इतिहास के रहस्यों के बारे में जानना या जानकारी इकट्ठा करना दिलचस्प लगता है। इसीलिए आपकी दिलचस्पी को बरकरार रखने के लिए ये खास मंदिर हमने खोज निकाला, इसकी कहानी खोज निकाली आप सबके लिए। आपको बता दें हाल फिलहाल में पुरातत्व विभाग की टीम ने एक खास मंदिर की ओर रुख किया। उन्होंने इस मंदिर में 800 साल से बंद पड़े कमरे की तलाशी ली। जब उसे खोला गया तो सब हैरान रह गए। आपको बता दें कि इस मंदिर में अभी भी खुदाई का काम जारी है, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिनसे ये साफ जाहिर होता है कि इस मंदिर के नीचे भी एक और खास मंदिर था। आपको बता दें कि अभी हाल ही में पुरातत्व विभाग के लोगों में भारत के अतिशय क्षेत्र बरासो में वर्षों पुराने बने दिगंबर जैन मंदिर, जो कि लगभग 800 साल से बंद था, उसके कमरे को खोलना चाहा, और जब उन्होंने इसे खोला सभी हैरान रह गए। आपको बता दें कि इस मंदिर का दरवाजा पहले खुल नहीं रहा था, क्योंकि इस मंदिर का दरवाजा पूरी तरह से लोहे का बना हुआ है जो जंग की वजह से जम गया था। बहुत प्रयास के बाद जब इसे खोला गया तो सबसे पहले भारी मात्रा में चमगादड़ों की सेना बाहर निकली, जिसे देखकर सभी लोग डर गए। पुरातत्व विभाग की टीम भी डर गई, लेकिन चमगादड़ों ने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। उसके बाद जब वो मंदिर खोला गया तो उसके अंदर से ऐसी बहुमूल्य वस्तुएं निकली जैसे कि मूर्तियां, नक्काशियां, इसके अलावा कुछ पुराने मटके भी मिले, और देखने में दोस्तों ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें कल ही मार्केट से खरीदा हुआ है। ये देखने में एकदम नए और तरोताजा लग रहे थे। लेकिन ऐसे में वैज्ञानिकों का माथा ठनका, क्योंकि कोई भी चीज जो ज्यादा समय से बंद रहती है, जैसे कि ये कमरा 800 सालों से बंद था, तो इसकी चीजों का पुराना हो जाना चाहिए था। लेकिन कमरे का हाल भी बड़ा बुरा था, लेकिन इसके बावजूद चीजें पुरानी नहीं हुई थी। जगह जगह पर कचरा पड़ा हुआ था, लेकिन न जाने कैसे ये मूर्तियां और नक्काशियां ऐसे लग रही थी जैसे कि ये अभी अभी फैक्ट्री से बनकर आई हो। आपको बता दें कि इस मंदिर में कुछ पुरातत्व अधिकारियों का कहना है कि ऐसी चीजें मिली हैं जो 18वीं और 16वीं सदी की चीजें हो सकती हैं। जी हाँ, यहाँ पर पुरातन विभाग की टीम का ये भी कहना है कि ये जैन मंदिर का सिर्फ एक कमरा था, लेकिन अभी भी इसका एक कमरा बंद पड़ा है जिसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इस मंदिर के तहखाने में एक दरवाजा था, ऐसा बताया जा रहा है, जो कि 800 साल पुराना था। जब उसे खोला गया तो उसके अंदर से चमगादड़ निकले, बहुत सारा कचरा पड़ा था, लेकिन बहुत सारी बहुमूल्य चीजें भी मिली जो एकदम नई जैसी थी। लेकिन जैसे उस कमरे को पार किया गया उसके अंदर एक और खास कमरा देखने को मिला जो कहते हैं सीधा नीचे की तरफ जाता था, यानी कि वो एक बहुत बड़ा तहखाना है जिसकी खोज अभी भी चल रही है कि आखिर उस कमरे के पीछे क्या हो सकता है। दोस्तों अभी भी सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंदिर में आखिर कैसे 800 साल पुरानी चीज भी नई लग सकती है। क्या है ऐसा? क्या कोई केमिकल लेप लगाया गया है इन मूर्तियों पर, या कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा दैवीय जो इन चीजों को अभी भी नया बरकरार रखने में कामयाब रहा है? और क्या है उस तहखाने के नीचे? क्या दिगंबर जैन मंदिर के रहस्य सुलझ पाएंगे? क्या आपको लगता है कि ऐसी चीजें निकल पाएंगी उस तहखाने से जिनके बारे में आज के हमारे वैज्ञानिक नहीं जानते होंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस पेज के साथ। धन्यवाद।